अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आवर इंग्लिश टॉपिक इज स्मॉल एच. कल हमने कैपिटल एच किया था और आज हम स्मॉल एच करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वैसे ही पेज रेडी कर लेना है. कलरफुल मार्कर से या कलर से आप मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे. डेट 23 अप्रैल 2020, क्लास वर्क, और टुडे इज थर्सडे. टॉपिक है हमारा स्मॉल एच. आप एक दफ़ा ध्यान से देख लें कि आपने एच को कैसे लिखवाना है. कार्नी पेरेंट्स, जो पैटर्न दिया जाता है उसी पैटर्न को फॉलो किया जाए. थ्री लाइंस पे ही आपने बच्चे को काम करवाना है. तीन दफ़ा आपने लिखवाना है, एक दो तीन, तीन दफ़ा आपने लिखवाना है. और प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि जस्ट आपका क्लास वर्क और टॉपिक कलरफुल हो, या जो आपने पिक्चर ड्रॉ किया उसमें बच्चा खुद कलर करे. काइंडली पेरेंट्स, कलरिंग भी बच्चा खुद करे. और लास्ट वाली लाइन पे आप बच्चे का नाम और फादर नेम मस्ट लिखें. इसके अलावा इतनी ज़्यादा ड्राइंग की जो है वो ज़रूरत नहीं है. कोशिश करें कि बच्चा प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करे, और वो होगी राइटिंग प्रैक्टिस. यहाँ आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ कर लें. मैं ड्रॉ कर रही हूँ एच हर हेलीकॉप्टर. ठीक है, आप इसी तरह हेलीकॉप्टर में कलर करवाएं, लेकिन बच्चा काइंडली कलर खुद करे. चलें टॉपिक और क्लास वर्क में आप कलर कर दें, लेकिन बच्चा जो है ना, वो जो पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे उसमें बच्चा खुद कलर करे. इसके बाद इसकी रीडिंग आ जाएगी. अगर कुछ पेरेंट्स के पास बुक्स नहीं हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं बुक रीडिंग के लिए जो है ना वो बुक पेज की पिक्चर सेंड कर दूँ. अदरवाइज़ जब तक मैं पिक्चर सेंड नहीं करती, आप लोग उस वक्त तक बच्चों को ड्राइंग करके या अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे आप बच्चे को एज की रीडिंग करवा सकते हैं. मैं एज का हाउस कॉन्सेप्ट दें कि हम जिस घर में रहते हैं, ये जो हमारा घर है इसको हम इंग्लिश में जो है वो हाउस बोलते हैं. हॉर्स, बच्चों को बड़ा शौक होता है जानवरों का, एनिमल्स का. उसके बाद हुक, हुक्स भी अक्सर घर में लगी होती हैं. हेलीकॉप्टर, तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप बच्चे को कंसेप्चुअल भी बता सकते हैं. इसके बाद आ जाता है हमारा एच. एच को हमने लिखना कैसे है. आप थ्री डॉट लगाएंगे. फिर मैं बार बार एक ही बात करती हूँ. काइंडली पेरेंट्स, आप लोग तीन ही लाइनें लिखवाया करें. और दूसरी बात यह है कि कोशिश किया करें कि कलरिंग भी जो है ना वो ड्राइंग, असल में आर्ट वर्क जो है वो हम लोगों का होगा स्केच टाइप ना वर्कशीट्स पे. और वो मैं इसलिए नहीं करवा रही कि हमारा जो डेली का वर्क है ना उसमें ही पिक्चर्स में कलरिंग आ जाती है काफ़ी. लेकिन अगर इसी तरह ही बहुत खूबसूरत कलरिंग हो तो फिर ज़ाहिर है पता नहीं चलता कि बच्चे की कलरिंग इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई. अब ज़ाहिर है मुझे भी पता चल जाता है कि पेरेंट्स ड्राइंग बना के दे रहे हैं या बच्चा खुद कलर कर रहा है. तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करें, जैसी भी आती है. ज़रूरी नहीं कि आप गुड परफॉर्मेंस जो होगी ना वो, या बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी नहीं कि आप काम करवाएँ.
मैटर ये करता है कि आपके बच्चे को ड्राइंग आए, क्योंकि आपके बच्चे का आर्ट का भी पेपर होता है, फिर उसमें ग्रेडिंग जो है वो ऊपर नीचे हो तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है परसेंटेज पे। जब आपका ग्रेड टोटल ओवरऑल में लगता है तो फिर ज़ाहिर है आर्ट का जो ग्रेड है उसको देख के लगेगा। तो आप लोग काइंडली कोशिश करें कि कलरिंग बच्चा खुद करे और राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो वो करवाएं। अब आप देख लें कि आपने एज कैसे करवाना है। यहाँ से ही बच्चे को बोले ऊपर जाए और यहाँ से यूं एज, ठीक है ऐसे। इसकी आपने ये टेल मस्ट निकलवानी है। काइंडली पेरेंट्स, आप लोग कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो खुद कलरिंग भी करें और लिखें भी। जितनी लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना वो मैटर करता है। और लास्ट पे आपने बच्चे का नेम और फादर नेम मस्ट मेंशन करना है। मैं आपको यही बात बार बार बोलती हूँ कि एक ही नाम के एक ही क्लास में दो दो बच्चे हैं, चार चार बच्चे भी हैं, तो इस वजह से कि उनके अटेंडेंस कहीं किसी और की ना लग जाए, बच्चे के एब्सेंट हो मार्क हो जाए और किसी के साथ ज्यादती हो, इसलिए फादर नेम और बच्चे का नाम वो मस्ट मेंशन हो। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।